14 सितंबर 2024 वार शनिवार। तो हम आपको लगातार बता रहे थे कि भाई ड्यूटी लगेगी, ड्यूटी लगेगी, नया सोयाबीन आने से पहले ड्यूटी लगेगी। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो 3 दिन पहले भी बनाया था, जब टेक्निकल सब सभी एडिबल ऑयल में का एक ब्रेकआउट आया था। ऐसा नहीं है कि भाई कोई शॉर्टेज मची पड़ी है, कोई हाई तोबा मची पड़ी है, क्योंकि वो जो न्यूज थी वो मैनिपुलेट करके पुश की जा रही थी कि भाई पोर्ट पे माल नहीं है, पोर्ट पे माल नहीं है, सप्लाई साइड शॉर्टेज है, शॉर्टेज है। जबकि यार इतना इंपोर्ट इंडिया कर रहा है, इतना माल पोर्ट पे आ रहा है, हर रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, हर महीने एक नया इतिहास रच रहा है, उसके बावजूद भी शॉर्टेज है, ऐसा हो क्या गया था? तो हम आपको लगातार बता रहे थे कि भाई ये जो है, ये जो बाजार जो अब यहाँ से जो चलना शुरू हुआ है, ये खबर है, और खबर ये है कि ड्यूटी नया सोयाबीन आने से पहले लगाएगी, और सरकार ने ठीक वैसा ही किया। अब टेक्निकली बाजार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लगातार बता रहे हैं। फंडामेंटली अब कोल्ड वॉर की सिचुएशन बन चुकी है, वो सप्लाई की तरफ से। अब गवर्नमेंट पुश करेगी नेफिड को, मैं मस्टर्ड के ऊपर बात कर रहा हूं, और दूसरे एडिबल ऑयल को आप साइड में रख सकते हो, उनके ऊपर भी आएंगे। तो अब गवर्नमेंट पुश करेगी नेफिड को, अब कि भाई माल बेच, सप्लाई दे, सप्लाई पूरी दे, खुल के दे। लास्ट ईयर नेफिड 7 से 8 लाख टन लेके चला गया था, इस साल नेफिड उस स्थिति में नहीं रहेगा। लास्ट ईयर इन्फ्लेशन और एडिबल ऑयल सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था, इस साल सरकार ने एक हाथ छोड़ा है कि ड्यूटी लगा के, तो दूसरा हाथ तो सरकार खींचेगी। लास्ट ईयर सरकार ने ड्यूटी का हाथ खींचा हुआ था, तो सप्लाई मतलब सप्लाई के ऊपर सरकार ने कुछ नहीं किया, तो इस स्थिति में रही। अब सरकार ने ड्यूटी छोड़ दी है, फ्री कर दिया है, ड्यूटी बढ़ा दी है, तो सरकार अब सप्लाई को बहुत तेज गति से पुश करेगी, और सरकार फेस्टिवल सीजन पे इसको पुश करती हुई नजर आएगी। वहीं जहां तक मैं नॉर्मल फार्मर की बात करूं तो वो भी दिवाली के आसपास थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि अमूमन किसान की एक सोच होती है कि भाई दिवाली के आसपास सरसों बेचेंगे। हम किसानी परिवार से, हमें पता है दिवाली के आसपास सरसों बेचने का एक अलग ही महत्व होता है। तो वो जो स्थिति जो बनेगी वो एक कोल्ड वॉर की मस्टर्ड में सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। अब यहां से क्या होगा बाजार में, अब यहां से बाजार में तय करेगा कि सोमवार को पाम ऑयल का वायदा कैसा बंद होता है, वहां से बाजार तय करता हुआ नजर आएगा। हमने आपको 31 जुलाई को जो वीडियो बनाया था, 31 अगस्त को, उसमें भी बताया था कि भाई जो पाम ऑयल का वायदा वो 3 मंथ के हाई पर बंद हुआ है, पर उसके बावजूद भी पाम ऑयल टूट के आ गया। ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज मानी जाती है कि इतने ऊपर बंद होने के बावजूद भी बाजार नीचे ही नीचे जा रहा है, पर वो बाजार में तय था, उनको भी खबर थी कि सरकार ड्यूटी लगाई। अब क्या रिएक्शन पाम ऑयल का रहता है, और मंडे को रिएक्शन नहीं, मंडे को क्लोजिंग क्या आती है केएलसी की, बाजार इसके ऊपर अपना भविष्य तय करेगा कि यहां से कितनी तेजी, कितनी मंदी, कितनी स्टेबिलिटी, और क्या भारतीय बाजारों में किस हिसाब से नेफिड अपना दबाव बनाएगा। दूसरी ओर टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग सारे तेल बहुत ही स्ट्रांग लगातार बता रहे हैं, स्ट्रांगनेस में कहीं कोई कमी नहीं है। अब यदि बात की जाए आज के बाजारों की, तो लगभग 150 से 200 रुपए के तेज आज बाजार खुलने चाहिए, और जो खुले भी है खैर तड़ 6600 रुपए का ट्रेड हुआ है, जो अपने आप में 150 रुपए की तेजी है और एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। दूसरी ओर यदि हम बात करें सुमेरपुर की, तो सुमेरपुर भी 200 रुपए तेज खुली है, जहां पर मिल डिलीवरी के सौदे 6900 रुपए खुलते हुए नजर आए हैं। तो जबरदस्त तरीके से सरकार ने एक्शन लिया है। कल प्याज पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने हटा दी है, निर्यात पर जो MEP लगा हुआ था बासमती के, उसको भी सरकार ने हटा दिया है। तो सरकार पूर्ण रूप से किसानों की ओर अब चल पड़ी है, और जो शिवराज सिंह चौहान जो आए, जिससे एक उम्मीद भी बनती हुई नजर आई थी। तो देखते हैं कि सोमवार की क्लोजिंग क्या रहेगी, बाजार इसके ऊपर निर्भर करेगा। 100 से 150 रुपए की तेजी जरूर है आज, और शाम को फिर मिलते हैं और मंडी भाव के साथ। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं।